उल साचे दरबार की, अरे जयकार तो लगाओ। उल करुणामयी सरकार की, ये बार। उल सिरों वाली मैया की, जय जय श्री राधे। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी। हो ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, हो ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ले जा माँ की
बच्चों के लिए माँ क्या क्या नहीं करती। अपने बच्चों की खुशी के लिए अपना मान सम्मान सब गवा देती है। एक माँ बर्तन माँज करके चार चार बेटों को पालती है। चार चार बेटा भी भारी नहीं लगते और आज उन चार बेटों को एक माँ भारी लगती है। कहते हैं कि माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती और माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती और माँ की लिखी हुई तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। माँ की लिखी हुई तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। कहते हैं बोझ बरसों तलक वो उठाती है माँ, बोझ बरसों तलक वो की तमन्नाएं पूरी करने के लिए माँ दूसरे के घर पे जाकर काम करती है। बस मेरे बच्चे की इच्छा पूरी हो, कुछ भी हो, फिर भी वो बंदा अपनी माँ को वृद्ध आश्रम भेज देता है। सब भूल जाता है कि हमारी माँ ने हमको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, इस लायक बनाया। फिर भी दो रोटी भारी लगती है, वृद्ध आश्रम भेज देते हैं। और जब बच्चा को कुछ होता है तो वो माँ सारी सारी रात जागी रहती है, अपने बच्चे के पास बैठी रहती है, कहीं मेरे बच्चे को ज्यादा तकलीफ ना हो। जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाए जीवन में। बस भगवान से एक ही प्रार्थना रहती है कि मेरा बच्चा हर ऊंचाई को छुए, मेरा बच्चा हर ऊंचाई को छुए, मेरे बच्चे की जोब लग जाए। ये माँ के मन में ये भाव रहता है बच्चे के प्रति। लेकिन वो बंदा अपनी माँ के लिए बिल्कुल नहीं सोचता। अरे महाराज, जिसके पास माँ नहीं है उनसे जाके पूछो कैसे रहते हैं वो अपनी माँ के बिना। और जिनके पास माँ है उनके यहाँ कोई कदर नहीं है माँ की। तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, भले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, भले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। श्री हरि। उस घर में वो बंदा चाहे कितनी भी सेवा करे उसकी सेवा मुझे स्वीकार नहीं है। जिस घर में माँ के लिए दो रोटी नहीं मिलती वो चाहे मेरे लिए 56 भोग क्यों ना लगाए फिर भी वो 56 भोग मुझे स्वीकार नहीं है, ऐसा ठाकुर जी कहते हैं। जिस घर में माँ की इज्जत ना हो, जिस घर में माँ का मान सम्मान ना हो, वो घर घर नहीं है, वो उस घर में मैं नहीं रहता हूँ, वो एक मरघट समान है, ऐसा ठाकुर जी कहते हैं। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान दी, माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। और माँ तुम्हारी, माँ हमारी, तुम्हारी सबकी भगवान, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ हो
सबकी भगवान है, अपनी माँ को मना वो माँ मान जाएगी, अपनी माँ को मना वो माँ मान जाएगी। इसलिए माताओं, प्यारे भक्तों, हमारा तो आपसे यही कहना है कि माँ का सम्मान करो और माँ को बड़ा प्यार करो, क्योंकि हम आज जिस प्रतिष्ठा पर है, जिस जो मान सम्मान जो मिल रहा है, जिस लायक हम बने हैं, ये सब माँ की खातिर है। अपनी माँ को मना वो माँ मान जाएगी। तुम तो इतने बड़े भाग्यशाली हो जो आपके पास माँ है। हमारे पास माँ नहीं है, फिर हमसे पूछो हम कैसे रहते हैं अपनी माँ के बिना। हम जब वो 8 महीने के थे, हमारी दीदी 2 साल की थी, मैं 8 महीने की थी, तभी हमारी माँ स्वर्ग से धार गई, मुझे तो याद भी नहीं है। अपनी माँ को मना वो माँ मान जाएगी, खुले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की जमा।